शाहरुख खान को सब क्यों वर्कहॉलिक बुलाते हैं? क्या रणबीर और आलिया शेयर करते हैं ये चीज? श्रद्धा कपूर इम्प्रेस हो गई इस कल की 28980 स्टार से। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट विंध्या और ये रही आज की बॉलीवुड काउंटडाउन। अमिताभ बच्चन को मास हीरो कहा इस एक्टर ने। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने आज एक्स पर कल की 28980 के पूरे कास्ट की तारीफ की और कहा कि अमिताभ बच्चन इंडियन सिनेमा के असली मास हीरो हैं और वो छा गए इस फिल्म में। कपिल शर्मा शो के बजाय अब ये शो आने वाला है टीवी पर। सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने आज एक नया प्रोमो रिलीज करते हुए अनाउंस किया कि बहुत जल्द जाकिर खान अपना खुद का टॉक शो लेकर आने वाले हैं। सूत्रों की माने तो इस शो में सेलेब्स अपने फिल्म्स को प्रमोट करने आएंगे। औरों में कहा दमता का तीसरा गाना हुआ रिलीज। पहले दो सॉन्ग्स को मिले प्यार के बाद अब मेकर्स ने तीसरे गाने किसी रोज को रिलीज किया फिल्म औरों में कहा दमता से। इस गाने में हम तबू और अजय देवगन की लव स्टोरी की झलक देख सकते हैं। क्या कमल हसन ने रिवील की कल्कि 2 की डिटेल्स? कमल हसन ने रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया जिसमें अपने कल्कि 28980 रोल की बात करते हुए उन्होंने कहा, अब भी तो मेरा रोल शुरू हुआ है, आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। सनी देओल की नेक्स्ट मूवी का टाइटल हुआ रिवील। सनी देओल ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अब डायरेक्टर गोपी चंद के साथ काम कर रहे हैं और आज बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट्स में रिवील किया गया कि इस फिल्म का नाम जट होने वाला है और लीड सनी एंड सयामी सितंबर तक इस फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर देंगे। क्या जुनैद खान और खुशी कपूर है न्यू BFFs इन टाउन? जुनैद खान और खुशी कपूर बहुत जल्द एक रोम कॉम में नजर आने वाले हैं जिसकी शूटिंग फिलहाल जारी है और आज बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए फिल्म के एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया कि जुनैद बिल्कुल इंट्रोवर्ट है और खुशी एक एक्सट्रोवर्ट, जिसकी वजह से ये काफी अच्छे दोस्त बन गए और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी निखर कर आ रही है। अनुराग कश्यप क्यों गए थे जेल? बैक कॉप की प्रमोशंस के लिए रिसेंटली अनुराग कश्यप समय रैना के चैनल पर आए थे जहां उन्होंने रिवील किया कि एक बार एक गलत आदमी को थप्पड़ मारने की वजह से अनुराग को पूरी रात जेल में बितानी पड़ी। क्या बड़े मियां छोटे मियां के इन एक्टर्स को अभी तक अपनी फीस नहीं मिली? इंडियन एक्सप्रेस के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पूजा एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि बड़े मियां छोटे मियां एक्टर्स टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा और अलाया एस को भी अभी तक अपनी फीस नहीं पे की गई। क्या केतरी जी री रिलीज होने वाली है थिएटर्स में? करण जौहर ने कल बैड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे बताया कि वो 2 साल बाद कभी खुशी कभी गम के 25th रिलीज एनिवर्सरी पर उसे थिएटर्स में री रिलीज करेंगे। महाराज मूवी में ये सीन करके एंग्शियस हो गई शालिनी पांडे। शालिनी पांडे ने बॉलीवुड हंगामा के रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि वो चरण सेवा के सीन को शूट करने के बाद इतना घबरा गई थी कि उन्होंने अपनी टीम से एंग्शियस होकर कहा, मैं बंद कमरे में नहीं रहना चाहती, मुझे फ्रेश हवा चाहिए, मैं तुरंत बाहर जाना चाहती हूँ। कल की 28980 बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। कल की 28980 ने कल डे 2 पे इंडिया में 57.6 करोड़ की कमाई की और आज डे 3 पे अभी तक 33.71 करोड़ की कलेक्शन हुई है। इंडिया में फिल्म की टोटल कलेक्शंस है फिलहाल 186 करोड़ पर और वर्ल्ड वाइड 298 करोड़ पर। आलिया और रणबीर ने फिर एक बार सेट कर दिए कपल गोल्स। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक ही फोन कवर यूज करते हैं। आलिया ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक मिरर सेल्फी शेयर की और फैंस ने तुरंत रणबीर की ये पिक खोज कर आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों एक ही फोन कवर इस्तेमाल करते हैं और ये बात हर जगह वायरल हो रही है। कल्कि के इस एक्टर से इम्प्रेस हो गई श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर ने आज अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए लिखा, क्या नॉर्थ क्या साउथ क्या ईस्ट क्या वेस्ट, सारा सिनेमा एक तरफ और अमिताभ बच्चन एक तरफ। अमिताभ बच्चन अपने आप में ही खुद एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। शाहरुख खान को क्यों बुलाया जाता है वर्कहॉलिक? वेटरन एक्टर गोविंद नामदेव ने रिसेंटली बॉलीवुड बबल के इंटरव्यू में शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा, वो रात तक काम करते थे, फिर प्रोड्यूसर होने के खातिर शूट के रैप अप होने के बाद अगले दिन की प्लानिंग करते थे रात 2 बजे तक और फिर सुबह
शूट पर लौटते थे। वो हार्डली 3-4 घंटे सोते थे। वो हमेशा बस अब नेक्स्ट क्या काम करना है इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कल की 2898 की कहानी डायरेक्टर नाग अश्विन ने बहुत पहले सोच रखी थी। इनफैक्ट वो इसी फिल्म से अपना डेब्यू करना चाहते थे, लेकिन तब उनके पास इस स्केल पर शूट करने की बजट नहीं थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।